हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, वोकैबुलरी सेशन जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुविधाजनक रहता है, बच्चे ज़्यादातर परेशान रहते हैं इसके लिए, लेकिन इस समस्या का हल मैंने आपके लिए कर दिया है गाइज। MB बुक से हम लोग आपको लगातार वोकैबुलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सके। देखिए गाइस, ये बात मैं आपको एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि MB बुक की वोकैबुलरी कर लीजिए ओनली, आपकी इससे बाहर वोकैबुलरी नहीं आएगी। या तो आप MB बुक कर लीजिए या किरण कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक बुक कर लीजिएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यस गाइस, आप सिंपल सा एक तरीका अपनाएं और इस बुक को फिनिश करें। और मैं यहाँ पर डेली आपको एक सेट की वोकैबुलरी करा रहा हूँ, वो भी सेट वाइज, जैसे कि सेट में जिस तरह से पेपर में आए हुए हैं उस तरह से सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड, ये सब चीज़ें। ओके गाइस, सो फिलहाल आज हम लोग पहुंच चुके हैं SSC CGL के सेट नंबर 7 पर। 2019 के हम लोग सेट आपको पहले करवा रहे हैं। ओके गाइस, तो अपनी कहानी को शुरू करते हैं और आज के वोकैबुलरी शुरू करते हैं गाइस। जो आज का पहला वर्ड है वह हमारे पास में रिटेन। सिनोनियम्स है, यानी कि आपको इसका सेम मीनिंग बताना है। देखिए गाइस, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना। रिटेन, किसी चीज़ को बनाए रखना, रिटेन। अब आपको यहाँ पे बताना है सिनोनिम्स, यानी कि इसी से मिलता जुलता। जैसे कि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना या बर्बाद करना, ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय। अगला वर्ड है गाइस गेन। गेन का मतलब होता है गाइस कोई चीज़ में किसी का लाभ होना, फ़ायदा होना, गेन होना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है गाइस कन्वे। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है इसी में ही, कन्वे मतलब किसी चीज़ को समझाना लोगों को। अगला है मेंटेन, यानी कि बनाए रखना। और जो आप ढूंढ रहे थे वो इसका आंसर यही होगा, यानी कि इसका आंसर रहने वाला है आपका डी, करेक्ट। अगला वर्ड एक्सपेंसिव। बच्चों एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कीमती, बहुमूल्य। अब यहाँ अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज बच्चे होंगे, और ख़ासकर न्यू स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि एक बार को शायद ओल्ड स्टूडेंट, यानी कि जो 2-3 साल से तैयारी में हो, शायद कुछ कर दे इसको लेकर के, लेकिन न्यू स्टूडेंट तो पक्का कन्फ्यूज़ होगा। क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ड उन्होंने दिया है सोबर, जो कि इसका सिनोनिम्स नहीं है। उससे अगला वर्ड है हमारा डियर, जो कि इसका सिनोनिम्स नहीं है। जेंटल और माइल्ड, इनमें से कोई भी इस वर्ड का सिनोनिम्स है ही नहीं, यानी कि अगर देखा जाए तो बच्चे की नज़रों से। क्योंकि यहाँ पे सभी वर्डों को उन्होंने इस तरह से दिया है, एक वर्ड है जो कि है डियर। बच्चों डियर माने दो मीनिंग होते हैं, आपको पता ही है, डियर माने प्रिय भी और डियर माने महंगा भी। तो यहाँ बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं गाइस, लेकिन आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैंने आपको बता दिया है डियर माने महंगा और डियर माने प्रिय, ये दोनों ही इसके मीनिंग रहेंगे गाइस। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आंसर भी ये हो जाएगा डियर एक्सपेंसिव का, लेकिन बाकी शब्दों की मीनिंग क्या है ज़रा उनको भी देख लें। जैसे कि पहला वर्ड है सोबर। सोबर का मतलब होता है गाइस समझदार, मासूम, सादा, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। यस, कोई बहुत ही समझदार व्यक्ति हो जिसके अंदर बहुत संयम हो, मासूम सा हो, कोई गंभीर, कुछ भी कह लीजिए, इसको बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे इसके। तो सोबर। डियर मैं आपको बता चुका हूँ महंगा। अगला है जेंटल। जेंटल माने सभ्य, कहते ना बहुत जेंटल व्यक्ति है वो, जेंटलमैन है। तो इस तरह से गाइस नॉर्मली ये वर्ड है और इसका नॉर्मल सा मीनिंग है सारे। वैसे तो सभी वर्ड इजी हैं ये वाले। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है माइल्ड। माइल्ड का मतलब ये होता है बच्चों नर्म स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव का। पुराने ज़माने में एक वर्ड इस्तेमाल किया करते थे सुकुमार, रामायण में आपने देखा होगा, उसमें राम और लक्ष्मण के लिए वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड सुकुमार। तो गैस सुकुमार यानी कि बहुत ही कोमल शरीर वाले। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले वर्ड पर। अगले जो वर्ड है वो है एंटोनियम्स, यानी कि इनकी मीनिंग हमें बताने हैं कि क्या
प्रॉपर आंसर रहेगा। जैसे कि पहला वर्ड है डेक्सटेरिटी, पूछो डेक्स्ट का मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट, DEXT। जब भी कहीं पे किसी वर्ड में डेक्स्ट आपका आ जाए तो समझ जाना के बाद निपुण की हो रही है। अब उसके आगे वो क्या लगा रहा है, पीछे क्या लगा रहा है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा निपुणता, यानी कि निपुणता या फिर निपुण, जो भी आप समझ लीजिएगा। पहला वर्ड आपका मास्टरी, बच्चों मास्टरी भी एक तरह का ऐसा ही वर्ड है, सिनोनिम्स इसका, यानी कि मास्टर है वो किस चीज़ का। तो यानी कि देखिए बच्चों, नॉर्मली टीचर्स को मास्टर बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्र का मास्टर है। गांव वगैरह में तो मैंने सुना कि टेलर को भी मास्टर बोल देते हैं ठीक है, तो वो भी अपने क्षेत्र का मास्टर है, सही बात तो ये है। अगला वर्ड है बच्चों इग्नोरेंस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोरेंस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ से अनजान हो, जिसे कुछ पता ही ना हो, यस अज्ञानता। अगला वर्ड है एगिलिटी, यस गाइस जी यहाँ पे बच्चों अगला वर्ड है एगिलिटी, मतलब उकसाना किस चीज़ को, किस चीज़ के प्रति। और अगला वर्ड है स्किल, स्किल का मतलब होता है बच्चों गुणवान, जो कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमें बताना था इसका अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसका बच्चों गाइस हमारा इग्नोरेंस। और गाइस यहाँ एगिलिटी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा गलत बता गया, फुर्तीलापन बच्चों, चुस्त दुरुस्त को बोलते हैं, माफी चाहूँगा। आगे देखिए बच्चों, ये तो टीचर वर्ड है आपके डिवाइड, वर्ड उसने दिया है बच्चों, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। और पहला वर्ड है एनगल्फ, बच्चों जब भी किसी वर्ड के सामने आपका आ जाएगा एन या ईएम तो इसका मतलब हो जाएगा बनाना, टू मेक। जैसे कि बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे कि सर्कल, उसको कह दिया एन सर्कल, सर्कल बनाना, बैंक एम बैंक, किनारा बनाना, ऐसे गल्फ मतलब खाड़ी, एम गल्फ यानी कि पूरी तरह से घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना है, डुबा देना किसी चीज़ को, तो यानी कि उसके चारों तरफ जो है खाड़ी बना देना, ऐसे कुछ करके। अगला वर्ड है यूनिट, मतलब एक साथ होना किसी चीज़ का, आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, अपोजिट बताना है तो यही इसका आंसर होगा, ये तो कन्फर्म हो चुका है, यानी कि इसका आंसर बी होगा। ब्रेक माने तोड़ना और स्प्लिट माने भी तोड़ना। अगला है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला वर्ड है कह रहा है कि इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट बोलते हैं बच्चों कर्ज को, जो किसी ने कुछ कर्ज वर्ज ले रखा हो किसी से, उसको वो चुकाने में इनकैपेबल हो, इनकैपेबल मतलब अयोग्य, जो अपने कर्जों को ना चुका पा रहा हो, इनकैपेबल। पहला वर्ड है इंसॉल्वेंट, इसका जो प्रॉपर हिंदी मीनिंग है गाइस वो है दिवालिया। ये आपने पिछले दिनों खूब सुना होगा वर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया से बहुत सारे लोगों ने लोन लिया और भाग गए, जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो लोन लेकर के भाग गए, इंस्टॉलमेंट, दिवालिया हो जाना। अगला है वर्ड बच्चों करप्ट, ये तो आपको खूब अच्छे से पता होगा, जैसे शायद कोई बच्चा हो जिसको करप्ट का मीनिंग ना पता हो, ठीक गाइस। सो अगला वर्ड है आपका ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है गाइस बहुत ही पुराना, प्राचीन, जो कि प्रचलन से अब बाहर हो चुका हो, जिसको अब लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया हो, ऑब्सोलेट प्राचीन। एक्स्ट्रावेजेंट, यानी कि जो लोग एक्स्ट्रावेजेंट एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं सब्जी पर, एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि अधिक खर्चीले, हालांकि आपको मीनिंग इसका पता चल चुका है आंसर, वो है इसका पहला ही ए करेक्ट। अगला वर्ड है जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगला, वन हु लव्स हिज कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को प्यार करता हो, वन हु लव्स वन कंट्री या फिर हिज कंट्री, यानी कि अपने देश से प्यार करने वाला। अब बच्चों ऑप्शन हमारे पास हैं बहुत सारे, इनको देखते हैं। पहला वर्ड है कोलोबरेटर, बच्चों कोलोबरेट का मतलब होता है सहयोग करना, मिलजुल कर काम करने वाला, यानी कि सहयोग करता। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पायरेटर, बच्चों ये बना कॉन्स्पायर से, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेटर मतलब षड्यंत्रकारी कॉन्स्पायरेटर। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पेट्रियोट, पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त,
जो व्यक्ति देशभक्ति करता हो उसके लिए वर्ड बनाया है ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेटर, TRAITOR, मतलब देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही, मतलब खाते यहाँ की हैं लेकिन गाते वहाँ की हैं, वहाँ के मतलब पाकिस्तान के गाते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, गाइस वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, अभी थोड़े दिन पहले मुजफ्फरनगर से एक वीडियो आई हुई थी, कुछ लड़के स्कूल के बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इन्हीं को बोलते हैं गाइस देशद्रोह, सही बात तो ये है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला है आपका idioms फ्रॉम MB बुक, यानी कि idioms अ बेड ऑफ roses, यानी कि बहुत आसान, क्योंकि roses of bed यानी कि एक बिस्तर है जिस पर रोज़ रोज़ बिखरे पड़े हैं, तो बहुत आसानी होगा बच्चों को, ईजी होगा और मज़ा आएगा बल्कि उस पर सोने में और पढ़ने पर, यानी कि आरामदायक स्थिति। और डिफ़िकल्ट पाथ, पाथ बोलते रास्ते को, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, एक कठिन रास्ता, जी नहीं। अ प्लीजेंट परफ्यूम, एक ऐसा परफ्यूम जो कि बहुत खुशनुमा हो, यानी कि जिसको सुगंध अच्छी आ रही हो, बिल्कुल शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी, आगे देखते बच्चों अगले पे, वैसे तो नहीं होना चाहिए कंफर्म। एन इजी एंड एन अनहैप्पी सिचुएशन, एन इजी एंड एन हैप्पी होगा बच्चों, यहाँ पे गलती से अनहैप्पी छप गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। यहाँ पर गाइस इसको अनहैप्पी को आप कठिन समझें, एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, तो यही इसका आंसर होगा, एक आरामदायक और खुशमय स्थिति। अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स, एक घाटी जो कि फूलों से भरी हुई है, जी नहीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि कंजूस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी मुट्ठी बंधी रखता हो, फिस्ट बोलते हैं बच्चों मुट्ठी को। क्रूल पर्सन यानी कि दुष्ट व्यक्ति, तो बच्चों यहाँ पे कंजूस होने का मतलब दुष्टता से तो बिल्कुल भी नहीं है, सही बात तो यह है बच्चों, कंजूस है तो है, इसका मतलब दुष्टता से क्या है गाइस, यस गाइस आगे बढ़ते हैं। अ काइंड पर्सन, दयालु व्यक्ति, जी नहीं, जब पैसे ही नहीं है कंजूस है तो। अ माइजरली पर्सन, बिल्कुल बच्चों कंजूस व्यक्ति, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी करेक्ट। स्ट्रॉन्ग मजबूत व्यक्ति, जी नहीं, तो दोनों idioms का आंसर गाइस सी था आज के। और गाइस ये थे आपके वर्ड्स आए हुए आज का, ये सेशन 7 था जो हमने आपको कराया, इससे पहले 6 सेशन मैं आपको करा चुका हूँ, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जब आप जाएंगे बुक की प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगी। और गाइस सभी पार्ट देख लीजिएगा, नोट्स दूसरी बार बनाया करें, वीडियो को डायरेक्ट देखा करें, डाउनलोड करके मत देखा करें, क्योंकि उसमें आपके अंदर एक आलकस पैदा हो जाता है कि देख लेंगे अपना आराम से कभी भी, लेकिन नहीं गाइस आपको उसको तुरंत देखना है और वीडियो दूसरी बार बनाने हैं, नोट्स सॉरी, जिससे कि आपको ये देखते देखते याद हो जाए। हालांकि आपको लग रहा होगा तो बहुत ईजी वर्क है, लेकिन गाइस ये इजी वर्क ही आपको लेकर डूबता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ध्यान रखें, अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन देगी, ओवर कॉन्फिडेंस में जो रहेंगे बच्चे वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते। वर्ड आसान है या हार्ड, आपको प्रत्येक वर्ड का नोट्स बनाना है, यानी कि क्यों गाइस, आपके हाथ से कोई वर्ड छूट ना पाए, ध्यान रखना बस, यानी कि हर सेट में आया हुआ एक एक वर्ड आपके हाथ से निकला हुआ होना चाहिए। इजी है तो और भी अच्छी बात है ना, तो क्या दिक्कत आ गई गाइस। और दूसरी बात, इजी और हार्ड बच्चों क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो आपने कर लिया, जो आपको आ गया वो इजी है, जो आपको नहीं आया वो आपको हार्ड है। मुझे इजी लग रहा है क्योंकि मैंने कर लिया और करा रहा हूँ, हो सकता है जो नया स्टूडेंट उसको ईजी ना लग रहा हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे बेचारे जिनका कमेंट है कि सर इस सीरीज़ को बंद मत करना, कंटिन्यू जारी रखना, क्यों, उनको कुछ तो मिल रहा होगा ना गाइस इससे, तो इसीलिए गाइस, तो बस इतनी सी कृपा बनाए रखना गाइस, डाउनलोड करके मत देखेगा, और बीच में जो ऐड आते हैं गाइस स्किप मत किया करो, देख ले करो एक आधा ऐड, रेस्ट ले ले करो थोड़ा बहुत 5-7 सेकंड का। ओके गाइस चलिए फिलहाल गाइस चलते हैं और लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।